ਰਾਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਡੈਥ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਹੈ ਵੱਜ। आज फिर से हम आ गए रिवर्सली पार्क। ये देखिए अपने लोंडे लोग। चीयर्स गाइस। इनके आज ही बाल कटे। कल आपने देखा था, आज जो रूप निकल के आया दोस्तों। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है दोस्तों। आप भी बताइए, मतलब आप जब बाल काटते हो तो आपको कैसा लगता है? ये चूतिया कटवा के आया दोस्तों एक वीक पहले। देखिए उसके इसको फेमस करना है। ये भी आप यूके में बहुत फेमस बंदा है ये। क्यों? ठीक है तो भी नहीं था, मैं आपको बोला था कि खेलते लोग, लेकिन आज थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे नजर आएगी। अरे वाह, अंग्रेज लोग फुटबॉल के ज़्यादा फैन हैं, अपने तरफ होते लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, है कि नहीं? भीड़ देखिए, अपने एशियंस भी लग रहे हैं उसमें बहुत सारे। अपना रूट सेम है आज का भी, कल में भी हम दूसरे रूट से जाएंगे। ये अपने दोस्त लोग जंगल की तरफ अपनी चाल करते हुए, ये देखिए, ये जो पेंटिंग कल बात आपको कर रहा था मैं, देखिए बहुत बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, दीवार पे ही बनी है, तितली-बितली मार से दम लगी है। हमने आपको बोला था कि राज मुझे मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी, ये देखिए यही पेड़ पे दूसरा दिन है। रिया चक्रवर्ती इसी के पीछे जाने वाले, क्या पता नेक्स्ट वीक जब आएंगे तो यहाँ पे रिया हमें हाथ दिखाती हुई नजर आएगी। फिर से जंगल में पहुँच गए, ये वो घना जंगल कल आपने देखा था, बड़े बड़े प्राणी यहाँ पे, हिंसक प्राणी जानवर दिख रहे थे। अभी कोई नहीं दिख रहा, अभी सो गए होंगे। क्या बताना चाहोगे आज को? हाँ बच्चों का मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा, जिनको पता नहीं है वो बता दो मैं। नहीं दिखा नहीं, प्राइवेसी मेंटेन करते हम लोग, हम किसी को छेड़ते नहीं है ना, छेड़ने देते हैं। अभी फोन इतना दूर आके मार कौन का है दोस्तों। तो हम लोग फिर से रोड की तरफ बढ़ चुके हैं, रोड आ गया है यहाँ पे, और हमारे सर जो बहुत फिट है वो आगे दिख रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइए, इमेज डाल दीजिए, अगर क्रॉप कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके डाल दीजिए, मैं अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर करूँगा उसको। और ये घरों की जो कल बात की थी हम लोगों ने, बिल्कुल सेम टाइप के घर होते हैं यहाँ पे, आपको ढूंढना पड़ेगा अपना घर कौन सा है। बेट देखिए, ब्लॉग में जाते हम 17 हिंकली वाला ब्लॉग, तो आप वहाँ पे देख सकते हो अपने चैनल पे। तो है ये बंदा है बहुत बहुत ही फिट है, मतलब 18-19 किलोमीटर ऐसे ही चल जाता है, ठीक है, वजन लेके भी चल सकता है वो, और ये एथलीट है, ठीक है। हम लोगों ने मिस किया था ये सब, उस टाइम टाइप की हो गया था। तो आप क्या बताओगे इनके यहाँ के घर वर के बारे में, क्या खासियत लगती है आपको, डिफरेंस क्या लगता है? डिफरेंस कुछ है नहीं, मतलब कुछ तो मतलब वेदर के हिसाब से चेंजेस होते हैं, या फिर घर की क्वालिटीज़ बोलो, इंटीरियर बोलो, क्या है उसको, क्या लगता है आपको? ये अपने दोस्त है बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा था जवाब ये तो। ये देखिए सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने खड़े हैं, इतने तेज तर्रार है क्या बताएं। हेलो दोस्तों, तो ये सर को हमने यहाँ से हमें जाना है शॉप में, अभी हम चलते शॉप में चलते, थोड़ा सा आपको
और व्यू दिखाते हैं, बट थोड़ा मुझे मास्क पहनना पड़ेगा अभी, पूरा पहनना पड़ेगा। सॉरी, क्या जोक मारा है दोस्तों, कमेंट करिए, गाली दीजिए चाहिए तो, लेकिन ये जोक इसने मारा है दूसरे पर ये देने तो इसको आप गाली दीजिए जाएगा यहाँ पे कोऑपरेटिव फूड। एंट्री पे पहले सैनिटाइजिंग का ऑप्शन है, हाथ नीचे रखना, यहाँ पे बैठ हाथ नीचे रखना है, सैनिटाइजर आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये सुपर स्टोर में क्लीनिंग के लिए ऑप्शन है, सर हमें डिटेल में बताएंगे वो सब चीज़ें। ये डिसइंफेक्टेंट है दोस्तों, यहाँ हर एक सुपर स्टोर में, तो क्लीन करो अपने लिए बास्केट, और मतलब उससे आप थोड़े ज़्यादा ही सेफ हो जाओगे। तो क्लीन करने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे, यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी मिलती है, यहाँ पे चीज़ है, बटर है, ब्रेड स्वीट्स, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। दूध देखिए यहाँ पे ऐसे कैन में दूध मिलते हैं, केक, कस्टर्ड्स, यहाँ पे बिस्किट्स, दवाइयाँ यहाँ पे पूरी शॉप में मिलती है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से क्लिनिक वगैरह में जाना पड़े। तो आप अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है आपके पास, आप उठाओ जाके वहाँ पे दिखाओ, और वो खुद से उठा सकते हो आप। ये बाकी सब चीज़ें जो कि कॉमन है इंडिया में, बस रेट्स में कुछ थोड़ा बहुत। टाइगर बाम दोस्तों, टाइगर बाम, वाह देखिए दोस्तों, इतना सा टाइगर बाम, लेकिन टाइगर बाम है नहीं वहाँ पे। रेट यहाँ पे दिखा रहा है 5.5 का 19 ग्राम, 5.5 का मतलब दोस्तों हो गया करीब 400 रुपया। टेप्सिल्स देखिए, टेप्सिल्स भी बहुत महंगी दोस्तों, यहाँ टेप्सिल्स में बहुत वैरायटी आती है, मतलब हाँ वैरायटी तो आती है लेकिन बहुत महंगी लग रही है दोस्तों, 5 pounds ही दिख रही है यहाँ पे। ये है, ये मास्क है, मास्क आते 500 के, 3 लेयर वाले। पेट्स के लिए कुछ ना कुछ, पेट केयर के चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत सारे लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, देखिए कितनी वैरायटी है। हालांकि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन जो कोई इंटरेस्टेड है वो लोग ज़रूर देख सकते हैं। ये रेट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, सबके मैं इंडिविजुअल नहीं देखना चाहता, लेकिन कोई कंपेयर करना चाहता है तो कमेंट में बताइए ज़रूर, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। एक स्टॉक बहुत होता है यहाँ पर, कभी लॉकडाउन में भी इसकी कमी नहीं पड़ी लोगों को, क्योंकि पानी से ज़्यादा यही पीते हैं लोग यहाँ पे। देखिए कितनी वैरायटी, देखिए ये सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही है, अलग से बियर शॉपिंग की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिक है, मतलब पहली बार में देखा नहीं होगा तो अभी देख लीजिए। हम अभी बाहर निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं सिटी सेंटर, मतलब कि डाउनटाउन बोलते हैं यहाँ पे, सिटी सेंटर बोलते हैं, मतलब सिटी का मेन जगह। यहाँ पे आपको दुकानें मिलेंगी, खाने की दुकानें, बाल कटिंग की दुकानें, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं 20 बाल कटिंग की दुकान है, तो आप देख सकते हैं बाल कटिंग की दुकान है। आजू बाजू में मिल रहे हैं, हाँ दोस्तों एक अच्छी बात है यहाँ पे, और ये मिलेगी
ये फेवरेट फेवरेट प्लेस है प्रकाश सर का। और यहाँ का खाना इतना लजीज है कि क्या बताऊँ। खाना तो बहुत जगह मिलता है दोस्तों, लेकिन यहाँ जैसा कहीं नहीं। इसका टेस्ट में जो मजा है दोस्तों, सर आज आज कितने रहे? जो पेट्रोल पंप में मैं काम करता हूँ वहाँ जा रहा हूँ मालिक से आज का। सर आज आज कितने दिन तक शिफ्ट था? आज मैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बैठा था। अभी 50 पाउंड मिलेगा मेरे को उसका। ओके मतलब क्या मतलब क्या कितना घंटे के हिसाब से चलता है, कैसे चलता है यहाँ पे? नहीं दिन में दिन का 50 से 100 पाउंड मिल सकता है, डिपेंड करता है कौन से पेट्रोल पंप में आप काम कर रहे हैं। ओके okay. मतलब ये डेली बेसिस पे होता है या फिर आवरली बेसिस पे? आप 8 घंटा? मैं तो डेली बेसिस पे काम करता हूं, आवरली पे भी कर सकता हूं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आवरली पे कर सकते हो। okay. मैं डेली बेसिस पे काम। रिटर्न ये रास्ते पे, ये कुत्तों का हॉस्पिटल है। ओ ये है कुत्तों का हॉस्पिटल दोस्तों, ये है। अनावत के साथ आज जो हुआ दोस्तों वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।